दोस्तों, ये खबर भी आ रही है कि ये सीज़न महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीज़न हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई उनको इंडियन टीम में एक बड़ी पोजीशन दे सकती है। इसलिए सीएसके को आगे के बारे में सोचकर इस ऑप्शन पर जाना होगा। सीएसके के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सामने आने के बाद ये बात साफ हो चुका है कि अब उन्हें ज़्यादा शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। सीएसके के पास अभी 20 करोड़ रुपये हैं। अब देखते हैं कि सीएसके इन पैसों को कहाँ पर खर्चना चाहेगी। नंबर एक पे आते हैं सैम करन। दोस्तों, इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर के लिए तो काफ़ी टीमें मैदान में उतरना चाहेंगी, लेकिन सीएसके भी चाहेगी कि वो सैम करन को अपनी टीम में शामिल करें। दोस्तों, सीएसके की तरफ से सैम करन ने 2021 में खेला था, इसलिए सीएसके दोबारा से इस स्टार ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। नंबर दो पे आते हैं केन विलियमसन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है ये सीज़न ऑफिशियली महेंद्र सिंह धोनी की आखिरी सीज़न हो, तो इसलिए सीएसके को एक कैप्टन की ज़रूरत होगी, और सीएसके की टीम में कोई कैप्टन नहीं होने के कारण सीएसके की फ्रेंचाइज केन विलियमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। दोस्तों, नंबर तीन पर आते हैं केएस भरत। दोस्तों, केएस भरत एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन है। दोस्तों, वो भी सीएसके को वही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। दोस्तों, पिछले सीज़न केएस भरत ने दिल्ली कैपिटल से खेला था और उनको वहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिले थे, तो ऐसे में अगर वो सीएसके में आते हैं तो धोनी के अंदर वो एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन हो सकता है सीएसके का न्यू कैप्टन। मिलते हैं अगले वीडियो में।